राक्षस उस ट्रैक्टर पे हमला कर देता है जिससे वो ट्रैक्टर खराब हो जाता है। राक्षस आग के गोले फायरिंग करने लगता है जिससे वो सभी जानवर मारे जाते हैं। एक बार मोहन अपने ट्रैक्टर से फल बेचकर घर लौट रहा था। वो जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था, तभी उसके ट्रैक्टर के आगे एक राक्षस आ जाता है। ट्रैक्टर डिसबैलेंस होता है और उस राक्षस से टकरा जाता है। फिर वो ट्रैक्टर पलट जाता है और मोहन दूर जाकर गिरता है। वो राक्षस उस ट्रैक्टर पे हमला कर देता है जिससे वो ट्रैक्टर खराब हो जाता है। राक्षस मोहन के पास जाता है। अब मैं तुझे खा जाऊंगा, बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ। अगर तुम मुझे खा जाओगे तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरा ट्रैक्टर तो तुमने पहले ही बर्बाद कर दिया है। उस राक्षस को मोहन पे दया आ जाती है। ठीक है, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज शाम तक मेरे खाने का इंतजाम हो जाना चाहिए। मोहन वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। वो दुखी होकर अपने घर पहुंचता है तो मोहन का बेटा, क्या हुआ डैड, इतने दुखी क्यों हो और ट्रैक्टर कहाँ है? तो मोहन अपने बेटे को राक्षस वाली बात बताता है। डैड आप चिंता मत करो, हमारे यहाँ कल्लू दादा की बिरयानी बहुत फेमस है, आप उसे लेकर जाओ। मोहन वहां से चला जाता है और राक्षस को बिरयानी खिलाता है। बिरयानी खाकर, बहुत अच्छा भोजन था, मेरा पेट भर गया, मैं तुमसे खुश हुआ, अब मैं तुम्हें एक जादुई चीज देता हूँ। वो राक्षस वहां पे एक मैजिकल मनी ट्रैक्टर प्रकट करता है। अब तुम इसे लेकर जाओ और खुशी से रहो। वो राक्षस वहां से गायब हो जाता है। मोहन अपने मनी ट्रैक्टर से गरीब लोगों की मदद किया करता था। दूसरी तरफ उस राक्षस की दुनिया में कई जानवर आ जाते हैं और वो उस राक्षस पे हमला करने लगते हैं। राक्षस भी अपनी जादुई शक्ति से हमला करता है, लेकिन राक्षस की शक्तियां कमजोर हो चुकी थी। वो राक्षस वहीं पे गिर जाता है। वो जानवर उस राक्षस को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। अब ये दुनिया हमारी है, किसी का बाप हमें यहां से नहीं निकाल सकता, चलो सब फैल जाओ। सभी जानवर इधर उधर चले जाते हैं। कुछ देर बाद राक्षस को होश आ जाता है। वो अपनी शक्तियों से मैजिकल मनी ट्रैक्टर को अपनी तरफ खींचने लगता है। गांव में मोहन अपने ट्रैक्टर को लेके जा रहा था, तभी वो ट्रैक्टर गायब हो जाता है और राक्षस के पास पहुंच जाता है। राक्षस कहता है, मैंने अपनी आधी से ज्यादा शक्तियां इस मैजिकल मनी ट्रैक्टर को बनाने में खर्च कर दी हैं, इसलिए उन जानवरों ने मुझ पे कब्जा कर लिया है, अब ये ट्रैक्टर ही मेरी मदद कर सकता है। तभी वहां पे वो जानवर आ जाते हैं। ये कौन सी चीज है और ये यहाँ कैसे आ गई, नष्ट कर दो इसे। तभी वो राक्षस अपनी शक्तियों से उस ट्रैक्टर को एक रोबोट में बदल देता है। खत्म कर दो इन दुष्ट जानवरों को। वो रोबोट बड़े बड़े आग के गोले फायरिंग करने लगता है जिससे वो सभी जानवर मारे जाते हैं। फिर वो रोबोट वापस से मनी ट्रैक्टर बन जाता है। वो राक्षस भी कैद से आजाद हो जाता है। राक्षस कहता है, अब तुम इस ट्रैक्टर को लेके जाओ, जब भी मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें यहीं बुला लूंगा। मोहन अपने मनी ट्रैक्टर के साथ वहां से गायब हो जाता है। एक गांव में दीनानाथ नाम का एक आदमी रहता था। वो थोड़ा मूर्ख था। दीनानाथ, तेरी चिड़िया उड़ गई, जल्दी से पकड़ उन्हें। दीनानाथ भागने लगता है। थोड़ी दूर भागने के बाद, अरे मेरे पास तो कोई चिड़िया नहीं है, फिर मैं क्यों भाग रहा हूँ। ऐसे ही प्रत्येक दिन
कोई ना कोई दीनानाथ को बेवकूफ बना देता था। दीनानाथ गांव के बाहर चला जाता है। गांव के बाहर दो जोंबी बात कर रहे थे। हमें कैसे भी करके उस जादुई मणि को पाना ही होगा जो शेर के पास है, तभी हम इंसानों पे राज कर पाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हम उस शेर के जंगल में भी नहीं जा सकते। उसने एक सुरक्षा कवच लगा रखा है। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। वो देखो, एक आदमी इसी तरफ आ रहा है। दीनानाथ वहाँ पे आ जाता है। दीनानाथ उन ज़ॉम्बीज को देखकर डर जाता है। कौन हो तुम लोग, मुझे मत मारो। अरे ले 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 मेरा बच्चा, तुझे कौन मारेगा? हाँ, कौन मारेगा तुझे? हम तुझे जादुई पंख देंगे जिन्हें लगाकर तुम हवा में उड़ोगे। क्या सच में तुम हमें पंख दोगे? हाँ मेरा बच्चा, बेकार में डर गया तू, अब चल हमारे साथ। ठीक है। वो ज़ॉम्बी दीनानाथ को अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले जाते हैं। ज़ॉम्बी जंगल में पहुंच जाते हैं। उसी जंगल में जादुई शेर और शेरनी रहते थे। शेर के सिर पे मणि लगी हुई थी। जा मुन्ना, वो शेर दिख रहा है, उसके सिर पे एक मणि लगी हुई है, उसे निकाल ला, फिर तुझे पंख देता हूँ। दीनानाथ शेर की तरफ पड़ता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मुझे ज़ॉम्बी भैया ने भेजा है, तुम अपने सिर की ये मणि निकाल कर मुझे दे दो। मूर्ख मानो, ये मणि तुम मनुष्यों की रक्षा के लिए ही है। वो दोनों तुष्ट ज़ॉम्बी कहाँ हैं? तब तक वहाँ पे दोनों ज़ॉम्बी प्रकट हो जाते हैं। दोनों ज़ॉम्बी अपनी शक्तियों से शेर पे हमला कर देते हैं। शेर भी हमला करता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ज़ॉम्बी अपनी पूरी शक्ति से शेर पे हमला करता है, जिससे शेर वहीं पे गिर जाता है। शेरनी, कुछ भी हो जाए, ये मणि इन दुष्टों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। शेर उस मणि को शेरनी को दे देता है। शेर वहीं पे मर जाता है। ज़ॉम्बी शेरनी पे हमला करते हैं। टिंकू उसी जंगल में घूम रहा था। वो भागकर शेरनी के पास जाता है, जिससे वो शक्ति टिंकू को लग जाती है और टिंकू वहीं पे गिर जाता है। वो शेरनी टिंकू को लेकर वहां से गायब हो जाती है। ज़ॉम्बी भी शेरनी के पीछे गायब हो जाते हैं। शेरनी टिंकू को लेकर उसके गांव में पहुंच जाती है। टिंकू, तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक कार चाहिए, मैं उस पे बैठना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कार देती हूँ। वो शेरनी एक कार बन जाती है। टिंकू उस कार पे बैठ जाता है और वो दोनों गांव में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो रास्ते में जा ही रहे थे, सामने से वही ज़ॉम्बी आ जाते हैं। टाइगर कार दोनों ज़ॉम्बीज पे हमला करती है। वो ज़ॉम्बी बहुत बड़े हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज के पास धमाके होने लगते हैं। फिर वो दोनों ज़ॉम्बी वहीं पे गिरकर मर जाते हैं। टिंकू अपनी टाइगर कार में बैठकर घूमने चला जाता है।